नमस्कार, सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो 19.0 का अपडेट आया है उसमें हम लोग डेली ट्रैकिंग कैसे करेंगे। डेली ट्रैकिंग में जैसे कि बच्चों की उपस्थिति, SCM और जो मॉर्निंग स्नैक्स है उसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो में अंत तक बने रहना है जिससे कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि किस प्रकार से नए अपडेट में हम लोग बच्चों की अटेंडेंस भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कीजिएगा। और जो भी नई आंगनबाड़ी सेविका बहन हमारी इस वीडियो को देख रही है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेना होगा। ओपन कर लेने के बाद सीधे हम यहाँ पे डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका आंगनबाड़ी केंद्र का जो स्थिति है वो दिखा रहा है, यानी कि एक इमेज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे खोले वाले पे क्लिक करके आपको अपना आंगनबाड़ी केंद्र खोल लेना है। जिस दिन आपका आंगनबाड़ी केंद्र क्लोज रहता है उस दिन आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करके क्लोज कर देना है। जैसे कि संडे को ऑटोमेटिक यहाँ पे जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो क्लोज रहता है, बाकी कभी किसी दिन छुट्टी होती है तो उस दिन आप लोग इसको क्लोज पे क्लिक करके इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक्स वाला ऑप्शन को ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे दो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी उपस्थिति और सुबह का नाश्ता। तो ये दोनों ऑप्शन सेम ही है। दोनों ऑप्शन में आप लोग जिसमें भी जाके बच्चों की अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक्स बनाना चाहते हैं दोनों ऑप्शन सेम है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बच्चों का लिस्ट है वो खुल के आ जाएगा। फिर से यहाँ पे बैक होते हैं और यहाँ पे सुबह का नाश्ता वाले पे भी क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से दोनों कैटेगरी में एक ही ऑप्शन दिखा रहा है। तब आपको करना क्या है कि जितने भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चे आ रहे हैं जो स्कूल पूर्व शिक्षा लेते हैं जिनका अटेंडेंस आपको बनाना है उन सभी को यहाँ पे बारी बारी से टिक आउट करते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे टिक आउट लगा देते हैं जो बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उसके सामने जो एक बॉक्स दिख रहा है मॉर्निंग स्नैक्स का उस पर आपको टिक आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे ये बच्चा आया हुआ है तो हम इसके सामने मॉर्निंग स्नैक्स का टिक आउट कर देंगे और जो बच्चा नहीं आया है उसमें मॉर्निंग स्नैक्स आपको नहीं ऐड करना है। ठीक है, तो जो बच्चा आया है उसी को आपको यहाँ पे मॉर्निंग स्नैक्स देनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जितने भी बच्चों को आपको एंट्री करनी है वो यहाँ पे करके और नीचे सुरक्षित करे का ऑप्शन जो दिया गया है उस पर क्लिक करके आपको बच्चों का अटेंडेंस सबमिट कर देना है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितने बच्चों का अटेंडेंस यहाँ पे सबमिट किया है, तो यहाँ पे आप नीचे जैसे ही टिक आउट करते चलेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6 बच्चे का आपने अटेंडेंस बना दिया है और 6 बच्चे को आपने यहाँ पे मॉर्निंग स्नैक्स दे दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर दिखाएगा कि कितने बच्चों को आपने मॉर्निंग स्नैक्स दिया है, कितने बच्चों को आपने अटेंडेंस बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे मॉर्निंग स्नैक्स और अटेंडेंस बना लेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे नीचे THR और SCM वाले कैटेगरी में। जैसे कि यहाँ पे अब बच्चों को हमें SCM देनी है जो हॉट कुक मील होती है जिसमें कि बच्चों को गर्म पका भोजन दिया जाता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो 3 से 6 साल वाले बच्चों की कैटेगरी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर लेंगे। SCM देने के लिए हम यहाँ पे 3 से 6 साल वाले बच्चों की कैटेगरी को ओपन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 3 से 6 साल वाले बच्चों की कैटेगरी को ओपन कर लेते हैं। तो बच्चों की कैटेगरी ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला है SCM और दूसरा है THR। तो हम लोग बच्चों को THR नहीं देते हैं तो हमें इस ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस ऑप्शन से मतलब है जो हम लोग बच्चों को SCM देते हैं। तो अब हमें बारी बारी से ये सिलेक्ट करना है कि कितने बच्चे को हमने अटेंडेंस बनाया है उन्हीं बच्चों को यहाँ पे उनका नाम दिखा रहा है, उनका नाम यहाँ पे चेक करते जाना है और आपको SCM देते जाना है। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो एक एक बच्चा का यहाँ पे आप बारी बारी से क्लिक करेंगे तो जितने भी बच्चों को आप यहाँ पे अटेंडेंस बनाए हैं उनका यहाँ पे नाम देख लेना है, उसके बाद आपको SCM यहाँ पे भरते चलना है। फिर यहाँ पे नीचे देखेंगे कि कितने बच्चों को हमने यहाँ पे SCM दिया, तो वहाँ पे जितने बच्चों का हमने अटेंडेंस बनाया है उतने ही बच्चों को हमें यहाँ पे SCM भी भर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे भर लेंगे और बाकी यहाँ पे जो THR वाला ऑप्शन है इसको आप लोगों को टच नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 7 डेज और 15 डेज का ऑप्शन दिखा रहा है जो कि यहाँ पे बच्चों को हम लोग सूखा राशन नहीं देते हैं, तो हमें इस ऑप्शन से कोई अभी मतलब नहीं है। ठीक है,
तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सुरक्षित कड़े वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके बच्चों का जो भी एसीएम का अटेंडेंस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका गतिविधि। तो गतिविधि जैसे कि आप लोग पहले से डेली ट्रैकिंग करते आ रही हैं तो आप सभी को मालूम होगा कि गतिविधि हमको यहाँ पे दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है या फिर आप एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपनी गतिविधि को अपलोड कर सकती हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी गतिविधि भी कम्प्लीट हो जाएगी। क्लिक करते ही आपका एक दिन का जो डेली ट्रैकिंग का काम है वो 100% कम्प्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर जरूर करें और जो भी नई आंगनबाड़ी सेविका भवन हमारे चैनल पर विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।